नमस्कार, स्वागत है आपका मेडिको गुरु इंडिया चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि महिला एवं प्रसूति विभाग से जुड़े कुछ सामान्य सवालों के जवाब जो अक्सर हमारे मन में आ जाते हैं, जैसे ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है, गायनेकोलॉजी क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियों को गायनेकोलॉजी में दिखाना चाहिए, कौन से ऐसे रोग हैं जिनको हम हल्के ले लेते हैं और जो कि बहुत सीरियस हो जाते हैं कभी कभी, जिनको कि समय रहते डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है। इन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज ऑब्स्टेटिक्स? ऑब्स्टेटिक्स क्या है? ऑब्स्टेटिक्स एक मेडिकल सर्जिकल स्पेशलिटी है जिसमें कि महिला व उसके बच्चे की केयर प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान मतलब बच्चे के जन्म के दौरान, तथा जन्म के बाद जिसको कि परपीरियम बोलते हैं, जन्म के बाद केयर की जाती है उसको ऑब्स्टेटिक्स डिपार्टमेंट बोला जाता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी के दिन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रेग्नेंट वुमेन को डॉक्टर को रेगुलर बेसिस पर दिखाना होता है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज सिजेरियन सेक्शन? सिजेरियन सेक्शन क्या होता है? ऑपरेशन से बच्चा पैदा होना क्या होता है? बेसिकली हिंदी में यूँ समझेंगे इसको, एब्डोमिनल कैविटी में चीरा लगा के, उसके बाद में यूटराइन कैविटी मतलब बच्चेदानी में चीरा लगा के बच्चे को जन्म दिलवाना सीजेरियन सेक्शन कहलाता है। अब ये क्यों किया जाता है, किन किन स्थितियों में किया जाता है, ये जानेंगे हम अगले प्रश्न में। वाई इज सीजेरियन सेक्शन डन? सीजेरियन सेक्शन क्यों किया जाता है? ये स्थितियाँ हैं यहाँ पर जिनके होने पर सीजेरियन सेक्शन करना आवश्यक हो जाता है। पहला है प्रोलॉन्ग्ड लेबर, लेबर शुरू होकर अंत होने में बहुत लंबा समय लग जाना, उस दौरान बच्चे को जान का खतरा या उसका मंदबुद्धि होने का, कई सारे खतरे होते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर में, तो इन खतरों से बचने के लिए सीजेरियन सेक्शन यानी कि ऑपरेशन डिलीवरी करवाना आवश्यक समझा जाता है। दूसरा है फीटल डिस्ट्रेस, बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाना पैदा होने के दौरान। थर्ड है मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी में कभी दो बच्चे होते हैं, तीन भी होते हैं, कभी कभार तीन से अधिक बच्चे भी माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं, तो इन केसेस में नॉर्मल डिलीवरी कराना संभव नहीं होता है, इसलिए सीजेरियन सेक्शन डिलीवरी ही करवाई जाती है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, बच्चा माँ के गर्भ में किस स्थिति में पड़ा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सीजेरियन सेक्शन किया जाएगा। फेल्ड इंडक्शन ऑफ लेबर, 9 महीने पूर्ण होने के बाद भी लेबर पेंस स्टार्ट ना होना, दर्द का शुरू ना होना, उस केस में भी डिलीवरी सीजेरियन सेक्शन के द्वारा करवाई जाती है। फेल्ड इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी सहायता से डिलीवरी करवाई जाती है, अगर उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करने के बाद भी डिलीवरी कर पा पाना असंभव हो रहा है तो सीजेरियन सेक्शन यानी कि ऑपरेशन किया जाता है। लो लाइंग प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जिससे कि गर्भ में पल रहे बच्चे को सभी प्रकार का पोषण मिलता है, वो प्लेसेंटा कभी कभी बच्चेदानी की मुंह की तरफ रहता है तो उस केस में भी नॉर्मल डिलीवरी करवाना संभव नहीं होता है। इनएडिक्वेट पेल्विस है लास्ट का, पेल्विस की साइज़ महिलाओं में जो पेल्विस है उसकी साइज़ इनएडिक्वेट होना नॉर्मल डिलीवरी के लिए, अगर ऐसा है तो भी डिलीवरी ऑपरेशन से ही करवाई जाएगी। अगला प्रश्न है, हाउ लॉन्ग इज द हॉस्पिटल स्टे आफ्टर ए नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एंड आफ्टर ए सीजेरियन डिलीवरी? मतलब ऑपरेशन से डिलीवरी होने के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद कितने समय तक हॉस्पिटल में रुकना होता है? नॉर्मल डिलीवरी के केस में आपको 24 घंटे से 72 घंटे तक हॉस्पिटल में रुकना होता है, और सीजेरियन सेक्शन यानी कि ऑपरेशन से डिलीवरी होने की स्थिति में आपको ऑपरेशन के चौथे दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ये एडवाइस के साथ में कि आपको टांके कटवाने के लिए फिर से हॉस्पिटल में आना है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ गायनेकोलॉजी? गायनेकोलॉजी स्पेशलिटी ये एक फीमेल स्पेशलिटी है, फीमेल डिपार्टमेंट की स्पेशलिटी है। डिजीज़ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गायनेकोलॉजी के तहत महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारियों को देखा जाता है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हेन डज ए वुमेन नीड टू सी ए गायनेकोलॉजिस्ट? एक महिला को, एक स्त्री को कब गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? यहाँ कुछ कंडीशंस दिखाई गई है, इन कंडीशंस के होने की स्थिति में लापरवाही ना करें और डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। पहला है वेजाइनल डिस्चार्ज,
विजाइना से एबनॉर्मल डिस्चार्जेज आना, जैसे पीरियड्स के टाइम के अलावा अगर डिस्चार्जेज आ रहे हैं, कुछ लिक्विड आ रहा है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स, जैसे डिलेड मेंसेस, 28 हर महीने मेंसेस ना आना, कभी 40 दिन में आ रहे हैं, कभी 45 दिन में आ रहे हैं, तो ये होता है डिलेड मेंसेस, या नो मेंसेस, मेंसेस का ना आना, 2-3 महीने निकल गए मेंसेस नहीं आ रहा है। टू फ्रीक्वेंट या टू हैवी मेंसेस, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, ये भी एक प्रॉब्लम कंसिडर की जाती है। और है ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, 45 या 50 साल की उम्र के बाद में मेनोपॉज स्थिति मानी जाती है, उसके बाद भी अगर किसी स्त्री को, किसी महिला को पीरियड्स हो रहे हैं, तो भी आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू बियर चिल्ड्रन, कोई महिला जो गर्भधारण नहीं कर पा रही है, बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा सकती हैं। कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि महिलाओं में जननांगों से संबंधित, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कहीं भी अगर कोई कैंसर है, यूजुअली ज़्यादातर केसेस में सर्वाइकल कैंसर होता है, अगर आपको ऐसी संभावना है, आपको स्क्रीनिंग करवानी है, जांच करवानी है, तो आप अवश्य गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। इचिंग अराउंड द जेनाइटल्स, जेनाइटल ऑर्गन्स के सराउंडिंग में, आसपास में अगर इचिंग हो रही है, तो भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। यूरिनरी प्रॉब्लम्स, पेशाब से संबंधित अगर कोई परेशानी है, जैसे पेशाब में जलन होना, अन्य कोई परेशानी है, तो आपको दिखाना चाहिए। एडवाइस कॉन्ट्रासेप्शन, ये है गर्भ निरोधक, अगर आपको गर्भ निरोधक की जानकारी लेनी है या आपको गर्भ निरोधक की आवश्यकता है, तो भी आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उसके बाद ही गर्भ निरोधक लें। अगला प्रश्न है व्हाट इज लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं, ये अपनी छाती की हड्डी से और कूल्हे की हड्डी के बीच का जो भाग है, उन इस भाग के ऑपरेशंस के लिए लेप्रोस्कोपी, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उसको लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द टाइमिंग ऑफ द ओपीडी, ये लोकनायक अस्पताल के ओपीडी की टाइमिंग है दोस्तों। बोथ गायनेकोलॉजी एंड एंटीनेटल ओपीडीज आर हेल्ड एवरी डे इन द डिपार्टमेंट, गायनेकोलॉजी और एंटीनेटल ओपीडीज रोजाना लगती है, सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से दोपहर में 1 बजे तक। जो ओपीडी के रजिस्ट्रेशन होते हैं वो सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक कार्ड बनाए जाते हैं। स्पेशल ओपीडीज आर हेल्ड इन आफ्टरनून, स्पेशल क्लिनिक्स जिसके बारे में मैंने करने वीडियो बनाया है, उसमें सारे स्पेशल क्लिनिक्स की डिटेल है, वो क्लिनिक दोपहर में 2 बजे से शाम को 4 बजे तक चलता है, सोमवार से शुक्रवार तक। अगला प्रश्न है दोस्तों व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, तो ये सुविधाएं हैं गायनेकोलॉजी, एंटीनेटल ओपीडीज, फैमिली प्लानिंग, स्पेशल क्लिनिक्स, स्पेशल क्लिनिक्स में इनफर्टिलिटी है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, एंडोक्राइनोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर से संबंधित, इन सारे टॉपिक्स का वीडियो मैंने सेपरेट बना रखा है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो के अंत में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज यानी कि आपातकालीन सेवाएं 24 आवर अवेलेबल है, ऑपरेशन थिएटर्स एज वेल एज IVF सेंटर इज ऑल्सो अवेलेबल। व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है उसके बारे में है ये। फैमिली प्लानिंग ओपीडी इज हेल्ड डेली इन द डिपार्टमेंट, मंडे टू सैटरडे 9 AM to 1 PM। फैमिली प्लानिंग ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार शनिवार तक लगती है। इसमें काउंसलिंग की जाती है, लोगों को समझाया जाता है, IUD यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस इंसर्ट किए जाते हैं जो कि गर्भ निरोधक होते हैं, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जाती है, जेन्युइन केस है किसी को फैमिली आगे नहीं बढ़ानी है उसकी MTP की जाती है, सर्जिकल मेथड से या मेडिसिन से। लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशंस, लेप्रोस ये भी एक गर्भ निरोधक, मतलब जिसको कि नसबंदी बोलते हैं, वो तरीका है, लेप्रोस्कोपी की सहायता से वो ऑपरेशन किए जाते हैं, MTP विदाउट MTP। अगला प्रश्न है दोस्तों इज देयर एनी फैसिलिटी फॉर स्क्रीनिंग ऑफ जेनेटल कैंसर्स, जेनेटल कैंसर्स यानी जननांगों से संबंधित कैंसर को स्क्रीनिंग करवाने के लिए, जांच करवाने की सुविधा है या नहीं है। वोमेन हु वांट टू गेट स्क्रीनिंग डन फॉर जेनेटल कैंसर्स कैन विजिट गायनी ओपीडी, जिन महिलाओं को
जेनेटल ऑर्गन के कैंसर की स्क्रीनिंग करवानी है, उनको शक है कि ये कैंसर हो सकता है, तो वो अवश्य गायनी ओपीडी में आकर अपना टेस्ट करवा सकती है। जो टेस्ट होता है उसको पेप्समेयर बोलते हैं। पेप्समेयर टेस्ट यहाँ पर रोज़ाना किया जाता है मंडे टू सैटरडे गायनी ओपीडी में। और कोल्पोस्कोपी, इसका भी अन्य वीडियो है मेरे पास जो आप देख सकते हैं, कोल्पोस्कोपी भी यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज़ द प्रोसीजर इन केस ऑफ सर्जरी इज रिक्वायर्ड। अगर किसी महिला को ओपीडी में कंसल्टेशन के बाद में किसी सर्जरी की आवश्यकता होती है तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है कि उसको सर्जरी करने से पहले कौन कौन सी जगह पे जाना होगा, कौन कौन से फॉर्म भरने होंगे, वो सब डिटेल है यहाँ पे। अगर किसी महिला को सर्जरी एडवाइज़ की है, आफ्टर ओपीडी कंसल्टेशन असर्टेशन दैट सर्जरी इज रिक्वायर्ड, द पेशेंट इज वर्कड अप फॉर एनेस्थीसिया फिटनेस। पेशेंट को एनेस्थीसिया के लिए फिटनेस चेक की जाती है ओपीडी बेसिस पर, और फिर दो दिन पहले एडमिट कर लिया जाता है ऑपरेशन होने के दो दिन पहले, ताकि ज़रूरी दवाइयाँ दी जा सके, ज़रूरी तैयारियाँ की जा सके। आपातकालीन सेवाएँ 24 घंटे उपलब्ध है। तो ये था दोस्तों वीडियो जिसमें कुछ गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट से जुड़े सामान्य सवालों के जवाब थे। आशा करता हूँ वीडियो अवश्य आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार।